बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ, अच्छा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आउटलाइन दे देता हूँ, हालांकि ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, बट स्टिल व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉइन इज टॉस 3 times, ठीक है, एक कॉइन को हमने कितने बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया। अब यहां पे हमने रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक डिफाइन किया। नाउ व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, अ वेरिएबल व्हिच इज एसोसिएटेड विद एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी में हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना, जिसके आउटकम्स हमें मालूम है क्या क्या मिल सकते हैं, बट वी डोंट नो क्या आने वाला है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हेड्स मिलेगा टेल्स मिलेगा, ओके। तो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, अ वेरिएबल व्हिच इज लिंक्ड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। अब जैसे यहाँ पे अ कॉइन इज टॉस 3 times, मैंने यहाँ पे एक्स एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। इसके काफी क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम तो आता ही है आपको, उसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूशन के भी एक आध कोई क्वेश्चन आ जाता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने को आता है, या फिर व्हाटएवर, वो हम सारे टाइप्स कर लेंगे, ओके। अब यहां पे मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स इन 3 tosses, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 tosses। अब देखो ऑब्वियसली ये जो x है, नंबर ऑफ हेड्स है, ये एक वेरिएबल है, फिक्स क्वांटिटी तो नहीं है, क्योंकि 3 बार अगर मैंने कॉइन को टॉस किया मुझे 1 बार भी हेड मिल सकता है, 2 बार भी मिल सकता है, 3 बार भी मिल सकता है, या फिर मिल भी नहीं सकता, सारे टेल मिल जाए, उसको भी ले सकते हैं रैंडमली। रैंडमली हमने डिफाइन कर दिया किसी एक चीज को जिसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, अगर आप नंबर ऑफ टेल्स लोगे वो भी एक रैंडम वेरिएबल ही है। हाँ, मतलब क्वेश्चन में जो लिखा होगा हम उसको लेंगे, बट इट कैन बी डिफाइन, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने हेड बोला तो हेड ही सिर्फ रैंडम वेरिएबल है, टेल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स इन 3 tosses बोलता तो वो भी रैंडम वेरिएबल होता इक्वली, ओके। अब यहाँ पे ये जो x है क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है ना, यही सारी वैल्यूज अज्यूम कर सकता है ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, ओके। अब अगर मैं इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालना चाहता हूं, है ना, हाँ जी सर, मैंने 3 बार टॉस करे, मैंने इसलिए 3 times किया, 0, 1, 2, 3, मैंने उसकी सारी पॉसिबिलिटीज निकाली ना, जैसे मैंने 3 बार टॉस किया मुझे कितने बार हेड मिल सकता है, 0 हेड मिल सकता है, मतलब तीनों टेल हो गए, 1 head मिल सकता है, 2 head मिल सकता है, 3 head मिल सकता है, ऐसे ही है ना, 4 head मिल सकते हैं, टॉस ही मैंने 3 बार किया, कहां से 4 head आएगा, राइट, ओके। ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिखे हैं यहाँ पे। अब इसकी बायस भी अगर हुआ, अगर बायस भी हुआ, मतलब हमारा जो कॉइन है वो बायस्ड है, मतलब जिसमें हेड के ज्यादा चांसेस हैं, अगेन उसमें भी आप 3 बार अगर टॉस कर रहे हो आपको मैक्सिमम 3 head मिल सकता है ना, 4 head तो नहीं मिल सकता ना, कॉइन बायस्ड हो या फिर दोनों तरफ हेड हो या फिर अनबायस्ड हो, कैसा भी हो, नंबर ऑफ हेड्स 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, बिकॉज टॉस ही आपने 3 बार किया, ठीक है। अब देखो मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, जैसे 3 बार हमने टॉस किया, 1 toss में मुझे कितने आउटकम्स मिल सकते हैं, 2 head और tail, दूसरे टॉस में 2, तीसरे टॉस में 2, इफ आई मल्टीप्लाई देम आई गेट 8, इस 8 को हम हाफ करते हैं तो यू वी गेट 4, ये बात समझ में आ गई, 4 times आप हेड लिखिए, 4 times आप टेल लिखिए, फिर 4 का हाफ 2, 2 times आप हेड लिखिए, 2 times आप टेल लिखिए, 2 times हेड, 2 times टेल, फिर 2 को भी हाफ करते हैं, 1 time हेड, 1 time टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हो गया। अब देखो मुझे ये सारे क्या मिल गए, पॉसिबिलिटीज मिल गए जो 3 toss में आपको मिल सकते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो 0 head के चांसेस देखना चाहता हूं, तो वी हैव ओनली 1 केस जिसमें आपके पास हेड नहीं है आउट ऑफ 8 केसेस, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/8,
वन हेड के मैं चांसेस देखना चाहता हूं, तो वन हेड यहां पे देखो, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, पर मोर देन वन भी तो हो सकता है ना। ओके, देखो मोर देन वन में ये सारे केसेस आ जाएंगे। यहां पे वन मींस एग्जैक्टली वन, नॉट मोर देन इट, नॉट लेस देन इट, ठीक है ना। वन का मतलब एग्जैक्टली वन होना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस में भी अगर आपको वन हेड बोला, इट मींस ओनली वन हेड, ना तो वन से ज्यादा ना तो वन से कम। अगर वन से ज्यादा है तो फिर आपको बोला होगा एटलीस्ट वन हेड। ऐसे क्वेश्चंस भी हम आगे चल के करेंगे। और अगर वन से कम बोल, वन या वन से कम बोला है तो एटमोस्ट वन हेड, ऐसे ऐसे वर्ड यूज होंगे, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, ये वर्ड के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। सब में आपको जितने 216 आउटकम्स नहीं होंगे, 216 टाइम्स उसको टॉस किया होगा। नहीं सर, उसके आउटकम्स 216, क्योंकि उसमें तीन बार हमने करेंगे। अच्छा, एक तीन डाइस को थ्रो किया, हाँ 216 पॉसिबिलिटीज हैं उसमें। ओके, उसमें कुछ कंडीशन दी होगी जो छोटी सी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। 216 तो टोटल आउटकम्स है ना, वो क्वेश्चन अभी देखेंगे थोड़ी देर में। वो अलग, वो देखने सुनने में ना ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि लगता है कि बाप रे इतना मुश्किल क्वेश्चन है या बड़ा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन होता है। जैसे कार्ड का क्वेश्चन आता है, 52 कार्ड्स हैं, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं उसमें। आपको पता है कार्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा, कार्ड में से मैंने एक कार्ड निकाला, कितने आपको इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एस का, है ना, या दो कार्ड ड्रॉ किए या तीन कार्ड ड्रॉ किए, एस की प्रोबेबिलिटी। अब देखो तीन कार्ड अगर मैंने ड्रॉ किया तो हो सकता है उसमें एक भी एस ना मिले, या एक एस मिले, या दो एस मिले, या तीनों के तीनों एस मिले, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो वैसे सोचने में लग रहा था बापरे 52 कार्ड्स है, कितना बड़ा वो टेबल बनेगा, लेकिन बड़ा टेबल नहीं बनेगा, आपके पास 0, 1, 2, 3 बस चार ही केस है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 0, 1, 2, 3 इतने ही केस है। कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, वो आगे हम करेंगे क्वेश्चन उसका, ठीक है। अच्छा, टू हेड के हम यहाँ पे चांसेस देखेंगे, दिस इज वन, दिस इज टू, एंड दिस इज थ्री, सो वी हैव 3/8, और थ्री हेड के चांस एक ही हैं, तो 1/8, ठीक है। तो ये जो हमने टेबल बनाया है जिसमें मैंने रैंडम वेरिएबल ले लिया, रैंडम वेरिएबल में मैंने वो सारी पॉसिबिलिटीज ले ली जो मिल सकती हैं, और उसकी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिख दी, इस टेबल को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग के क्लास मिस हो गए थे, तो उसके लिए अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, हालांकि पीछे हम कर चुके हैं। Now, what is binomial distribution? देखो कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं, जैसे आपने अभी बोला कि कॉइन इज डाइस इज थ्रोन 3 times, है ना, डाइस इज रोल 3 times, है ना, 216 आउटकम्स होते हैं उसके, है ना। या फिर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, एक कॉइन को मैंने 10 times टॉस किया, ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, 10 times टॉस किया, what is the probability of getting 4 heads? वैलिड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन है। एक कॉइन को मैंने 10 बार टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 heads? अब इस क्वेश्चन को ना बड़े ठंडे दिमाग से सोचना। देखो अभी हमने जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाला था 3 toss में, कैसे किया था, 3 places बनाए और 2 into 2 into 2 किया, है ना। तो अब 10 toss है, मतलब 2 into 2 into 2 10 times, यानी 2 की पावर 10। नाउ व्हाट इज 2 की पावर 10? How many outcomes? 1024. अब जो 3 toss हमने किया था उसमें तो हमने 3 head के चांस या 2 head के जिसके भी चांस बोले फटाफट काउंट करके बता दिया। 1024, पहली चीज तो सैंपल स्पेस नहीं बना पाओगे। अगर इनकेस बना भी लिया तो काउंट कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें अलग हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ये कंडीशंस हैं कि आप कहाँ पे लगा सकते हो। आपने सपोज कुछ ट्रायल किए जहां पे ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। जैसे मैंने कॉइन को 10 बार टॉस किया, तो इसमें जो हर टॉस है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मींस एक बार मैंने टॉस किया मुझे हेड मिला, अब दूसरी बार टॉस करूंगा तो उस टॉस में मुझे क्या मिलना है ये
इस टॉस का रिजल्ट डिसाइड नहीं करता, करता है नहीं करता, है ना? जैसे एक बार मुझे हेड मिल गया, कोई जरूरी नहीं है दूसरी बार हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, राइट? तो ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है? फिर हर ट्रायल में हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स, ठीक है? ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे किसी एक्सपेरिमेंट के किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड दो ही आउटकम्स हो। अब यहां पे देखो, दो आउटकम से हमारे दिमाग में क्या बैठ जाता है, दोनों के 50-50 चांस होने चाहिए। ऐसा नहीं है, सिर्फ उसके दो आउटकम्स होने चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि वो दो आउटकम के चांसेस कितने हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए लूडो आप लोग ने खेला है, लूडो स्नेक्स एंड लैडर्स। अच्छा, लूडो में एक रूल बनाते हैं कि अगर 6 आ गया तो गोटी खुल जाएगी, नहीं तो घर पे बैठे रहेगा, ऐसे ही है ना? अब यहाँ पे अगर आपको 6 मिल गया तो आप बोलोगे सक्सेस, अगर 1, 2, 3, 4, 5 मिल गया तो फेलियर। तो यहाँ पे जो सक्सेस के चांसेस हैं वो 1/6 है, लेकिन जो फेलियर के चांस है वो 5/6 है। मतलब लूडो में जो आप खेल रहे हो, आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 6 मिलेगा या तो 6 नहीं मिलेगा, है ना? अगर 1, 2, 3, 4, 5 मिलता है, हम गोटी बाहर निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। 6 मिल गया बाहर, है ना? हाँ, मतलब कई लोग 1 और 6 करते हैं, कई लोग 1 करते हैं, कई लोग 6 करते हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, हाँ, तो फिर सक्सेस के 2 चांस हो जाएंगे, फेलियर के 4 चांस हो जाएंगे, 2/6 एंड 4/6 होगा, ठीक है? हाँ जी, एवरी अदर ट्रायल, हाँ डिपेंडेंट ट्रायल का हमने 52 कार्ड्स लिए, है ना? अच्छा, यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो इंडिपेंडेंट इज कि एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंडिपेंडेंट इज एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट को असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, मैंने 52 कार्ड्स रखे, उसमें कितने रेड और कितने ब्लैक होते हैं? 26 रेड, 26 ब्लैक, है ना? 26 रेड, 26 ब्लैक होते हैं। अब मैंने क्या किया कि इस 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल दिया, वो कार्ड मुझे रेड मिल गया। नाउ हाउ मेनी लेफ्ट? 26 ब्लैक एंड 25 रेड। अब अगर मैं कोई नेक्स्ट कार्ड निकालता हूं, उसमें क्या रेड के चांस वही होंगे जो पहले थे? पहले रेड के चांस थे 1/2, लेकिन क्या अब भी रेड के चांस 1/2 है? इट हैज चेंज्ड। तो दिस इज क्योंकि पहला कार्ड मेरे हाथ में क्या आएगा वो डिसाइड करेगा नेक्स्ट कार्ड मेरे हाथ में जो आने वाला है उसके चांसेस ज्यादा होंगे कम होंगे। तो डिपेंडेंट है ना? लेकिन अगर मैंने वहीं पे मैंने कार्ड निकाला, कलर देखा, वापस डाल दिया, नाउ हाउ मेनी कार्ड्स? क्या अब इवेंट मतलब कोई फर्क पड़ रहा है उस पे? ये इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है? ईच ट्रायल, अच्छा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहां पे लगाते हैं? व्हेन ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स, वन इज कॉल्ड सक्सेस एंड द अदर वन इज कॉल्ड फेलियर, ठीक है? यहां पे ये हम ऐसे सिचुएशन में लगाते हैं व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट। जैसे कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स, काउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कॉइन इज टॉस इनफाइनाइट टाइम्स। कोई ऐसा सिचुएशन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मैं इनडेफिनेटली कॉइन को टॉस करते जा रहा हूं करते जा रहा हूं, वहां पे जब मेरे पास काउंटिंग ही नहीं है, है ना? ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो सक्सेस है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरस फेलियर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक रूल है कि ये पी और क्यू का टोटल हमेशा 1 मिलता है। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था, उसमें जो प्रोबेबिलिटीज आपको नीचे मिली थी उनका टोटल आपको हमेशा 1 मिलेगा। इट इज ऑलवेज 1,
ठीक है. तो ऐसे यहाँ पे p plus q is always 1, which means p is equal to 1 minus q and q equals to 1 minus p. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. नहीं नहीं, यहाँ पे ट्रायल फाइनाइट ही होने चाहिए, फाइनाइट ही होने चाहिए. अगर इनफाइनाइट हो गए हम ये डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते. क्यों, ये एडवांस क्लासेस में है कि हम क्यों नहीं कर सकते अभी फॉर द टाइम बिंग. देखो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मींस नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फाइनाइट. अगर इनफाइनाइट हो गया तो हम, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी जो है ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, अगर इन्फिनिटी आ गई तो कॉम्बिनेशन निकालोगे कैसे. अच्छा अब देखो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं. इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू सम वैल्यू r इज n c r p पावर r q पावर n माइनस r. ठीक है, जहां पे c क्या है, कॉम्बिनेशन है ना, n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स. P पे R होता है, Q पे N माइनस R होता है. ना ना सर, Q पे R पे P पे. एक बार बुक में देख लो, बुक में वेरीफाई कर लो. P पे R होगा, Q पे N माइनस R होगा. वेरीफाई कर लो एक बार. अच्छा वो फिर मैंने गलती से बोल दिया होगा, वेरी सॉरी. लेकिन P पे जो है R होगा, Q पे N माइनस R होगा. वेरीफाई कर लो, बुक में एक बार वेरीफाई कर लीजिए. नहीं नहीं, P पे R होगा, Q पे N माइनस R होगा. ये करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए. अगर मैंने गलती से बोल दिया है तो उसको प्लीज करेक्शन कर लीजिए. कोई बात नहीं, अब ठीक कर लो. N N is number of trials, ठीक है. P is what? Success. Q is what? Failure. यहाँ पे R क्या है? Number of successes जो मुझे चाहिए, है ना? अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है. हाँ जी बताइए. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल. अगर मैंने कॉइन को तीन बार टॉस किया तो एन इज थ्री. मेरे को तीन टॉस में दो हेड चाहिए तो आर क्या हो जाएगा, टू. मैंने कॉइन को दस बार टॉस किया तो एन हो गया टेन. और मुझे दस टॉस में पांच हेड चाहिए तो आर हो जाएगा फाइव, एंड सो ऑन. ओके, ये फॉर्मूला लिख लिया सबने. अच्छा एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं. अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, फाइंड चांसेस ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, है ना. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए. A coin is tossed 10 times, find chances of getting 4 heads. अब इसको हम देखते हैं. यहां पे number of trials 10 हो गया. Yes, अब मुझे कितने बार success चाहिए? 4 times. ठीक है. अच्छा यहां पे P, the probability of success is 1 by 2, क्योंकि हम यहां पे क्या करेंगे, head is considered as success. है ना, यहाँ पे getting a head is success, तो head के chance कितने हैं? 1 by 2. तो Q कितना हो जाएगा? 1 minus 1 by 2. आप Q कभी भी ना ऐसे निकाल लो, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, है ना. Rather than का यहाँ पे तो 1 by 2 लिख सकते हो, लेकिन बहुत सारे cases हैं जहाँ पे 1 by 2 नहीं लिख सकते हैं, तो वहाँ पे 1 minus success कर लो, आपको automatic मिल जाएगा, है ना. यहाँ पे तो नहीं लिखो चलेगा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ आगे के questions के लिए, जहाँ पे आपको complicated values अगर मिलती हैं तो. ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इक्वल्स टू 4, यानी मुझे 4 सक्सेस चाहिए, उसके मुझे चांसेस निकालने हैं. मैं इसको लिख लूंगा n, विच इज 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 4. ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, p, यानी कि 1 बाय 2 की पावर 4 एंड 1 बाय 2 की पावर 10 माइनस 4 विच इज 6, है ना. अब मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है. अच्छा ये कॉम्बिनेशन सबको सॉल्व करना आता है. एन सी आर, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एन ओवर फैक्टोरियल ऑफ आर फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस
आर, ठीक है। ये इलेवेंथ में आप लोग ने किया होगा, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के हम अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर इफ इट इज मतलब काउंटेबल होता है, जैसे यहाँ पे 2 पावर 10 मिलेगा तो ये काउंटेबल है, इसको सॉल्व कर सकते हो। कभी अगर जैसे 5 पावर 10 मिल गया तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। 1024 है ना, जैसे 6 पावर 8 मिल गया तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10 एप्पल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 20% डिफेक्टिव एप्पल, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव एप्पल एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एप्पल, है ना। और भी इसमें क्वेश्चंस हम वेरिएंट है, जैसे आप एक और क्वेश्चन क्या बना सकते हो, एटमोस्ट लेट्स से 8 डिफेक्टिव एप्पल, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब वन बाय वन ये नीचे से रब कर दें, एटमोस्ट 4 या फिर 3 ले लो, 4 डिफेक्टिव एप्पल, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे मतलब n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। अब वन बाय वन हम ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे। द फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, है ना, ये बेसिकली एप्लीकेशन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, क्योंकि सबके दिमाग में एक ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे सक्सेस और फेलियर के चांसेस इक्वल होने चाहिए, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया सो दैट वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि नो इट इज नॉट दैट जो सक्सेस और फेलियर या जो पी और क्यू है वो हमेशा इक्वल होंगे, वो अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे आपको बोला 10 एप्पल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट मींस इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, है ना। अभी हमने समझा था जैसे कार्ड्स में से अगर मैं एक कार्ड निकाल के वापस कार्ड में डालता हूं, क्या रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है? नो, है ना। लेकिन अगर मैंने निकाल के बाहर रख दिया, अब कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, है ना। तो दैट मींस विथ रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट इवेंट, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट इवेंट, है ना। ये बात हमें याद रहेगी, इसको आप एज अ रूल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट इवेंट, विद रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट इवेंट, छोटी सी बात। हाँ, अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, डिफेक्टिव एप्पल के चांसेस, है ना। आपको बोला है कि फ्रॉम अ लॉट 10 एप्पल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, यानी एक एप्पल निकाला देखा वापस डाला, निकाला देखा डाला, तो अब चांसेस निकालने की मुझे उसमें कितने एप्पल्स डिफेक्टिव मिले। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या था, 3 डिफेक्टिव एप्पल, है ना। तो सबसे पहले तो मैं इसमें पी और क्यू निकाल लेता हूँ, है ना। एन तो मुझे मालूम है यहाँ पे कितना मैंने निकाला है, 10 निकाला है। आर मुझे कितने एप्पल्स चाहिए डिफेक्टिव, 3, ओके। सक्सेस, द चांसेस ऑफ सक्सेस, देखो 20% आर डिफेक्टिव, दैट मींस 20/100 विच इज 1/5। हाँ जी वो बताइए, और मुझे क्या चांसेस निकालने हैं डिफेक्टिव एप्पल के, तो मैं 20% को, हाँ, यहाँ पे सक्सेस अच्छा या खराब नहीं होता, है ना। कभी कभी हमारे दिमाग में ये भी रहता है अच्छा एप्पल सक्सेस होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, उसको हम सक्सेस अज्यूम करके चलेंगे। यहाँ पे डिफेक्टिव एप्पल, गेटिंग अ डिफेक्टिव एप्पल इज कंसिडर्ड सक्सेस, है ना, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, 3 डिफेक्टिव एप्पल्स, है ना। अगर आपको बोलते हैं कि डिफेक्टिव एप्पल नहीं चाहिए, तो उस सिचुएशन हम डिफेक्टिव एप्पल नहीं यानी गुड एप्पल को हम सक्सेस मानते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब क्यों हमें यहां पे निकालना है, क्यों हो जाएगा 1-1/5 विच इज 4/5, है ना। आप 80/100 करके भी कर सकते थे, बट दिस इज रादर इजियर मेथड। आपको अगर पी मिल जाए जस्ट 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसे, ये बात समझ में आ गई। मुझे P मिल गया, Q मिल गया, N मिल गया, R मिल गया, मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल्स टू 3 इज इक्वल टू, N इज 10, तो आप लिखेंगे 10C3, व्हाट इज P, 1/5 रेज टू पावर 3 एंड 4/5 की पावर
10 माइनस 3 विच इज 7. इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. अब देखो यहाँ पे पावर 7 आ रही है, तो आप इसको सॉल्व नहीं करना, एज इट इज छोड़ देना. ये 10 सी 3 सॉल्व करके आप उसको एक जो नंबर मिलेगा पावर्स में ही लिख के आप छोड़ सकते हैं. ठीक है ना, कितना क्लियर हो गया? इसको आप आंसर जो है पावर्स में ही छोड़ देंगे. कॉम्बिनेशन देखो कई बार सॉल्व नहीं करना पड़ता, कई बार करना पड़ता है. तो यहाँ पे देखो ये इजी है, कोई बहुत लंबा तो है नहीं, 10 सी 3 इज इजी टू सॉल्व, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. हाँ कोई बहुत बड़े नंबर होते तो वहां पे फिर हम जैसे 20 सी 10 दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, 20 सी 10 वहां पे हम छोड़ देंगे. ठीक है, इजी. 20 सी 18 आया तो सॉल्वेबल है ना, क्योंकि पास पास के नंबर है, सॉल्व कर लोगे. फर्स्ट पार्ट क्लियर. ओके, व्हाट वाज द सेकंड पार्ट? ओके, अब देखो दिस इज रादर ट्रिकी क्वेश्चन. ये जो एटलीस्ट और एटमोस्ट में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना होता है. आपको क्या बोला है? एटलीस्ट वन, यू वांट एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एप्पल, है ना. अब इस एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एप्पल को हम कैसे करेंगे? अच्छा, इसके पहले मैं आपको इसका जो आगे वाला क्वेश्चन था क्या था, उसके आगे क्या था? एटमोस्ट और ये क्या था? एटमोस्ट 3 डिफेक्टिव एप्पल. अच्छा, हम उसको पहले कर लेते हैं, है ना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे. आपको क्या बोला है? एटमोस्ट 3 डिफेक्टिव एप्पल्स. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. अब देखो इस बात को हम समझेंगे, व्हाट इज एटमोस्ट? थोड़ी देर पहले हमने समझा था, व्हाट इज एटमोस्ट? मैक्सिमम 3, है ना. दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे लिखेंगे. मतलब ये 3 से एक्सीड नहीं कर सकता, 3 से कम हो सकता है. अच्छा, 3 से कम हो सकता है मतलब कितना हो सकता है? x आपका 0 भी हो सकता है, है ना, x आपका 1 भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. मेरे को ये चार सिचुएशंस निकालने हैं डिस्ट्रीब्यूशन से और इन चारों को ऐड करना है. सर, इन चारों का सम 1 मिलेगा? नहीं, नो. आपको 1 कब मिलेगा? जब आपने देखो कितने मैंने ड्रॉ किए थे, 10, अगर मैं वो सारे के सारे निकाल लूं तब आपको 1 मिलेगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा. हाँ, कोई और कोई फ्रैक्शन होगा. ठीक है, कितना क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू, अच्छा इसके आगे फिर मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, ये तो आप लोग को बन जाएगा. अच्छा, ये मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन फॉर्म किया आपके सामने, तो इसको सॉल्व मत करना, आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना प्लीज. ये मैंने, हाँ जी, क्यों x equals to 0 equals to 10 c 0, है ना, कितना हो जाएगा? 1 by 5 की पावर 0, 4 by 5 की पावर 10 minus 0, यानी कि 10 लिखेंगे ना. कितना क्लियर है सबको? ओके, इसके आगे बनेगा ना. ओके, अब हम आते हैं जो हमने स्किप कर दिया था उस पार्ट पे, एटलीस्ट वन. At least one defective apple. Now, at least one defective apple का मतलब है, at least मतलब कम से कम. That means यहाँ पे x जो है, it should be greater than equal to 1. ये बात समझ में आ गई? Greater than equal to 1 मतलब हम यहाँ पे x equals to 1, x equals to 2, x equals to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सारा लिखेंगे. अब देखो ये चीज मुझे सॉल्व करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. नाउ दिस इज अ 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स में मैंने वैसे शायद नहीं देखा अभी तक, बट हाँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. 4 मार्क्स के लिए 10 कॉम्बिनेशन सॉल्व करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, है ना. अब देखो इसका कुछ तरीका है. क्या तरीका है? मैं इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो क्योंकि 4-5 शीट उसी में भर जाएगी, है ना. अच्छा, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता. अच्छा, ये हो गया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो वाला जो पार्ट है इज डिफिकल्ट टू सॉल्व.
अब x greater than 1 का मतलब है 1 से लेके 10 तक का सम, लेकिन देखो यहाँ पे 0 से लेके 10 तक का जो प्रोबेबिलिटीज है उसका टोटल आपको 1 मिलना चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 अप टिल x इक्वल्स टू 10, ये सारी प्रोबेबिलिटीज x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्लस प्लस। अभी हमने पढ़ा था कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं अगर मैं सारा ऐड कर दूं कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मुझे कहां से कहां तक सम चाहिए, 1 से लेके 10 तक, मतलब मैं इसको अगर उधर शिफ्ट कर दूं, है ना, ये आपका क्या बन गया p x greater than equal to 1, है ना, इतना पार्ट। तो क्या बच गया मेरे पास, 1 माइनस p x equals to 0। ये वाला पार्ट आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पे 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, है ना। ये तो बस आपके समझाने के लिए कि ये आया कहां से। डाउट? यस नहीं सॉल्व, सिर्फ आप x इक्वल्स टू 0 सॉल्व करोगे, 1 से माइनस करोगे। यहाँ पे आप 10 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक बार सॉल्व करना पड़ रहा है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन तो पहले पूछा गया था हमसे, अगर हम पहले इसकी वैल्यू पुट कर देंगे नीचे से देख के तो गलत क्यों होगा? नहीं गलत, अगर ये एक ही क्वेश्चन है फिर गलत क्यों होगा? सर बाद में सी पार्ट किया ना, या फिर हम अपने वहां पे भी पहले सी पार्ट कर देंगे। ओहो, ये क्वेश्चन तो मैंने बताया ना, मैंने रैंडमली फॉर्म किया है तो ये मतलब अरेंज नहीं है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ऑब्वियसली आप उसमें से वैल्यू उठा के इसमें डाल सकते हो। ओके, इसमें और कौन सा पार्ट था? एटमोस्ट 8 डिफेक्टिव को हम कैसे लिखेंगे, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 8, है ना। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 8, है ना। अच्छा, इसमें आ जाएगा 0 से लेके 8 तक का सम। अब देखो 9 और 10 अगर मैं जोड़ दूं तो 1 मिलना चाहिए, पी एक्स पी 9 पी 10। तो आप क्या करोगे, ये निकालने के बजाय 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 9 एंड x equals to 10। ये देखो यहाँ पे मुझे 8, 1 से लेके 8 और 0, ये 9 combination, 9 probabilities निकालनी पड़ रही थी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही निकालनी पड़ रही हैं। So this is easier than solving this. From ऐसे questions को ऐसे कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ये bracket जब आप खोलेंगे तो ये minus हो जाएगा। Confusion? कहाँ 5 नहीं आएगा? यहाँ पे ये तो 8 दिया हुआ है ना, 5 कैसे आया? नहीं मतलब अगर क्वेश्चन में 5 तो नहीं आए तो 5। अच्छा 5 आ गया, तो 5 आ गया तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि वो बिल्कुल मिडवे है। आप 1 माइनस करो या वैसे सॉल्व करो, आपको सॉल्यूशन उतना ही करना है। तो वो सिचुएशन आ गया तो आपको फिर कोई चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा। ओके, हाँ जी, हाँ यहाँ पे देखो डिपेंड करता है आपको पूछा क्या है। अगर आपको पूछा है ना कि फाइंड द चांसेस दैट टू डिफेक्टिव एप्पल, है ना, और आपको बोला कंटेनिंग 80% गुड एप्पल, क्वेश्चन वही है। क्योंकि देखो अगर 80% गुड है मतलब 20% डिफेक्टिव है, और आपको निकालना क्या है, डिफेक्टिव। देखो मुझे जिसको भी निकालना होता है ना, मैं उसको सक्सेस मानता हूं। अगर 80% गुड बोला और फाइंड द चांसेस ऑफ गेटिंग टू गुड एप्पल, तो उस सिचुएशन में मैं पी ले लूंगा 80/100। तो ये टोटली आपका क्वेश्चन डिसाइड करता है मुझे पी किसको लेना है, जो मुझे निकालना है मैं उसको पी मानूंगा, ठीक है ना। तो ये हमने इसके बेसिक किए, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, विद बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है।